नमस्कार आदाब, मैं हूँ अलीजा और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड हल्द्वानी में अब नहीं चलेगा लोगों के घरों पर बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट में चली बहस में हाईकोर्ट के फैसले फिलहाल के लिए रोक। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और सलमान खुर्शीद की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की बहस में फिलहाल के लिए रोक मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। एससी ने कहा 50,000 लोगों को रातों रात उजाड़ नहीं सकते। एससी का यह फैसला कायम रखता है, घर बसाना आसान नहीं होता। किसी की जिंदगी गुजर जाती है तो किसी की पूरी पीढ़ी। सरकारी आशियाने उजाड़ने के बजाय बसाने पर ध्यान दें। वैसे ही जैसे गर्मी में अपील की जाती है कि छतों पर दान पानी रखें ताकि कबूतर भूख प्यास से हलाक ना हो जाएं। मगर यहाँ तो ऐसी सर्दी में सरों से साय छीनने की तैयारी कर ली गई थी। यहाँ इंसानों की फिक्र किसी को नहीं रही। हालांकि अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल ने कहा कि इस मामले में मानवीय नजरिए से देखना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि मामले में समाधान की जरूरत है। आरोप है कि हल्द्वानी में करीब 4400 रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रहते हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद करीब 50,000 लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब अगली सुनवाई तक इन लोगों को राहत मिल गई है। भारत मीडिया के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट।